हेलो एवरीवन। सो हम पहुंच चुके हैं जोन 7 के मेन गेट पे। यहाँ से एंट्री होती है एंड द टेम्परेचर इज़ 5 डिग्रीज और ओपन जिप्सी में तो बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। एंड फाइनली वी एंटर्ड इन द जंगल एंड हियर वी गो। उसे पता लगाते किस डायरेक्शन में उसका मूवमेंट है। हाईवे जा रहा है क्या पास से? ट्रकों की आवाज आ रही है। एंड हमारे ड्राइवर भैया ने डिसाइड किया कि हम लेफ्ट जाएंगे। आई थिंक ये जो ट्रैक है ये फिक्स्ड होता है कि कौन से ट्रैक पे जिप्सी जाएंगी, और लेट्स सी कि हमें आगे क्या दिखता है। नहीं, ये सांबर डियर है। सांबर टाइगर का फेवरेट फूड है। ऐसी साइज का मारेगा 4-5 दिन वो खाएगा। अच्छा जी, ऊपर फीमेल है देखो, वो जो वो खा रही है ना लीफ जी, जिनके सींग है वो मेल है, बिना सींग के वो फीमेल है। ले 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 ले, वो देख भी रही है, देख भी इसका जब कॉल आता है। और अब हम आ चुके हैं पहाड़ के ऊपर। ये एक जगह है जहाँ पे ये लोग जिप्सी से आपको उतरना अलाउ कर देते हैं। यहाँ पे आप उतर के अपना फोटोग्राफ ले सकते हो, व्यू एंजॉय कर सकते हो। और सी दिस प्लेस अमेजिंग। उधर हो रहा है, अरे उधर जिप्सी क्या थोड़ी वैसी हो रही है ना, ये टेढ़ी हो रही है। अभी तक जैसा आप देख सकते हैं कि हमें सिर्फ सांभर दिखा है और टाइगर नहीं दिखा है। हमने भैया से पूछा कि भैया इस जोन में कितने टाइगर हैं, तो उन्होंने बोला कि जोन 7 में 2 टाइगर हैं और जोन 1-6 में 25-30 टाइगर्स हैं। तो जोन 1-6 में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको टाइगर दिखेगा, और अगर आपका लक अच्छा है तो आपको जोन 7 में भी टाइगर दिख सकता है। लेट्स सी एंड लेट्स होप कि हमें भी टाइगर दिख जाए।
जारी तोड़ रहा है, बिल्कुल सही कह रहे हो। जिनके सींग है वो मेल है, बिना सींग की फीमेल है। ये एंटीलर फैमिली में आते हैं, यानी हर साल अपने सींग गिराते हैं। आपको पता है मेटिंग के बाद में जब फीमेल प्रेगनेंसी में होती है तो वो एंटीलर को खुद चिंगम करती है, कैल्शियम की कमी आती है बॉडी के अंदर। अपन में होता है डॉक्टर से मेडिसिन लेते हैं, वो ये मेडिसिन है। ये पत्ते हैं फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, हिंदी में इसको चेला कहते हैं। आपको पता मार्च के बाद में। तो जैसा आपने देखा, यहीं पे हमारा जंगल सफारी का ट्रिप एंड होता है। हमें टाइगर नहीं दिखा। अब हम नेक्स्ट टाइम आएंगे तो कोशिश करेंगे कि जोन 1-6 में बुकिंग कराएं। एंड अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड।